20 से ऊपर जा ही नहीं रही है यार स्पीड। ये वीडियो देख के ही आना संस्कार जब भी आओ। संस्कार को भोकाल समझ के आ गया मैं तो। मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। वाह राहुल पांडे कहाँ आ गए तुम? ओ भाई नीचे उतरने में तो और डर लग रहा है भाई। देख रहे हो कहाँ पहुंच चुकी है अपनी शाइन। आसपास के नजारे इतने ज्यादा अच्छे है ना भाई, लेकिन यहाँ पे ना कुछ लोगों को यार AMS हो रहा है। आगे किस बात का चेक पोस्ट भैया? कोई चेक पोस्ट ना है, ये तो बस ऐसे ही लगा रखा है इन्होंने। काम चल ही रहा है भाई, रोड बनी रहा है एकदम। संस्कार संस्कार वैली, संस्कार संस्कार संस्कार, क्या मजेदार रोड है भाई। और बीच बीच में ऐसे थोड़े थोड़े ना पैचेस मिल रहे हैं अभी जो ऑफ रोडिंग है, जैसे कि ये देखो दिल्ली नंबर मिल गई। वो देख रहे भाई इतनी तेज है रिवर, ये देखो एकदम इंक्लाइंड है। 20 से ऊपर जा ही नहीं रही है यार स्पीड। अभी तो इससे बड़े बड़े पासेस हैं, उन पे क्या होगा। देख रहे हो कैसे परफॉर्म कर रही है यहाँ शाइन। फर्स्ट गियर है ये मैंने सेकंड लगा दिया। ये देखो सेकंड में भी 20 चल रही है, 20 ज्यादा स्पीड चल नहीं पा रही है। फर्स्ट लगा लेते हैं और धीरे धीरे चलते रहते हैं भाई। फर्स्ट गियर सेकंड गियर और कहीं कहीं तो सेकंड गियर भी काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट गियर में ही 10 की स्पीड आ रही है और 10 की स्पीड से यार एक घंटे में 10 किलोमीटर जाऊंगा, 14 घंटे लग जाएंगे पदम पहुंचने में मुझे। आज क्या हाल होने वाला है यार मुझे खुद ही नहीं पता। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था यार मैं इस ट्रिप पे आने से पहले कि यार अपनी बाइक तो चढ़ जाएगी। यहाँ तो देखो यार ये फुल स्केलेटर है और मैं 40 की स्पीड में चल रहा हूँ। यहाँ तो चलो ठीक है चढ़ गई। कुछ कुछ ऐसी ढलाने हैं ना उनमें 10 की स्पीड में भी नहीं चढ़ रही है भाई। 125 सीसी और 100 सीसी वालों ये वीडियो देख के ही आना संस्कार जब भी आओ, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है भाई। और मेरा आज क्या होगा मुझे खुद ही नहीं पता, भगवान मालिक है। आज शिंकुला अभी 15 किलोमीटर है यहाँ से, बाकी देखो भाई बुलेट तो चढ़ी गई। ऐसे 20-30 की स्पीड में भी चलेगी ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, लेकिन 10 की स्पीड में चल रही थी और भाई वो भी पहले गियर में। बस अभी काफी देर के बाद देखो ऐसी ढलान आई है जिसपे मैं देखो अभी 50-60 पे चल रहा हूँ, लेकिन वहां तो मैं डर ही गया था यार एकदम 10 की स्पीड में चल रही थी। और ये वैली ना एकदम सुनसान है भाई, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ है, 50 की स्पीड में देखो फुल स्केलेटर है मेरा, फिर भी 50 से कांटा नीचे नीचे आ रहा है, 40 हो गया। भगवान अब मदद चाहिए आपकी कि भैया चढ़ जाए, वरना फिर से क्या ही करेंगे हम, कहाँ जाएंगे। नजारे जितने अच्छे हैं पासेस की चढ़ाई उतनी डिफिकल्ट है भाई, उतनी डिफिकल्ट। अब देखो पहला हमारा आया है भाई वाटर क्रॉसिंग, पैर ना गीले हो भाई हमारे, पैर गीले हो जाएंगे ठंड लग जाएगी। अरे 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 चल 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 सही। संस्कार को भोकाल समझ के आ गया मैं तो, लेकिन संस्कार संस्कार है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये आगे आगे पता नहीं भाई क्या क्या होगा, कोई बात नहीं यही तो एडवेंचर है। अभी तो शुरुआत है राहुल पांडे, आगे क्या क्या होगा। हाँ डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन इस डर को जीने तो आए यार, कोई बात नहीं धीरे धीरे चलते रहेंगे, कोई बात नहीं। काफी देर से यार मैं चले जा रहा हूँ तो इस तरह का यार थोड़ा थोड़ा ना पानी आपको रोड पे भी मिलेगा, जहां तक रोड होगी या ऑफ रोड होगा तो वहां भी बह रहा होगा। ये पानी वो पानी है जो ऊपर से बर्फ पिघल रही है ना, क्योंकि अभी धूप हो गई है तो बर्फ पिघल रही है, उसी का पानी बह के नीचे आ रहा है। और जहां पे ये रोड नहीं बनी है वहां पे तो वो वाटर क्रॉसिंग हो जाएगी ऑफ रोड के साथ। अब देखो पूरा व्हाइट हो गया, पूरा ही बर्फ भाई, पूरा ही बर्फ। अभी तक तो थोड़ा थोड़ा था, ये देख लो पूरा बर्फ है।
कार भी बहुत स्लो स्लो चल रही है, तो अपनी बाइक ही कहाँ तेज जाएगी। लेकिन हिमालयन वाले तेज चल रहे हैं भाई, देख रहे कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे वो, दिख ही नहीं रहे मुझे तो। ये देखो सड़कों पर पूरी बर्फ बर्फ बिछी हुई है। पहली बार ऐसी राइड कर रहा हूँ मैं कि मेरे को इतनी बर्फ मिल रही है रास्ते में। अभी बाइक चलाते चलाते देखो राहुल पांडे कहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब ये नज़ारे भाई एकदम दिल को छू लेने वाले हैं, देख रहे हो? ये देखो नज़ारे, देख रहे हो क्या बर्फ है भाई, वाह इतना मजेदार है। और इसी के बीच में से मैं आया हूँ यहाँ पे, ये सामने जो रोड आ रही है इसी के बीच में आया, और ये सारा बर्फ है। और मेरे बगल में देखो ये भी पूरी बर्फ की चादर है, ये देख रहे हो भाई बर्फ। ओ भाई बहुत ठंडा, ये देखो शाइन शाइन येलो बर्फ, देख रहे हो क्या बर्फ है भाई, देख रहे हो इतनी मोटी मोटी परत है बर्फ की, देख रहे हो। लेकिन ये गंदी हो चुकी है, अंदर से खोदना पड़ेगा अच्छी वाली बर्फ। ये देखो अंदर से खोद के निकालते हैं आपके लिए, ये देखो बर्फ, वाह मजेदार है भाई एकदम। और यहाँ का नजारा भाई देखने लायक है भाई, कुछ भी बोलो। इतनी स्ट्रगल है चढ़ने में, लेकिन यहाँ के नजारे देखने लायक है भाई, कोई कह नहीं सकता भाई, कोई काट ही नहीं सकता कि भाई यहाँ के नजारे अच्छे नहीं है, देख रहे हो। और ऐसे नजारों में देखो अपनी शाइन भी आ चुकी है, देख रहे हो कहाँ पहुंच चुकी है अपनी शाइन। स्ट्रगल तो बहुत है भाई इसको लेके चढ़ने में, क्योंकि कम सीसी की है ना यार, तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है, थोड़ा पावर ज्यादा मांग रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चढ़ जाएंगे यार। और इतना बर्फ मैंने छू लिया अभी, देख रहे हो हाथ कैसे हो गए, बहुत बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हाथ। ये बर्फ तोड़ने में बड़ा मजा आ रहा भाई, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो इतनी बर्फ है, मजेदार ना एकदम, ये देखो मजा आ रहा है। अब भाई ज्यादा ज्यादा बर्फ मिल रही है यहाँ तो, और वाटर क्रॉसिंग भी बढ़ गई है, और बीच में थोड़े थोड़े ऑफ रोड भी मिलने लगे हैं, बर्फ बढ़ गई भाई। लेकिन अब सर्दी भी लग रही है, बस यार एक ही चीज का डर है हमें, उस चीज का डर ना मेरे को बहुत ज्यादा सताता है, यहाँ पे ना ब्लैक आइस ना मिल जाए कहीं, बाकी तो मैं झेल लूंगा। हेलो ब्रदर, कहाँ से आ रहे हो आप? गुड़गांव से। 1:37 देख रहे हो भाई नजारे, अगल बगल दोनों तरफ भाई बर्फ की एकदम दीवार है, एकदम कम से कम 25-25 फुट है पूरी बर्फ यहाँ पे। और देख रहे हो क्या नजारे हैं, मजेदार एकदम भाई। वाह राहुल पांडे कहाँ आ गए हो तुम, वाह ऐसा सपना था यार मेरा, देखो पूरा हो गया फाइनली। अगल बगल देखो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं बर्फ की, और फाइनली इसमें से हम चल रहे हैं। मजेदार यार मजेदार, क्या अचीवमेंट है यार, क्या अचीवमेंट है राहुल पांडे। थैंक यू गॉड ये सब दिखाने के लिए। इस समय जो फीलिंग है ना मेरी, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ यार, कितना ज्यादा खुश हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बस क्या ही मिल गया मुझे। चिंकला यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और बस अगल बगल बर्फ ही बर्फ दिख रही है, बस ब्लैक आइस का डर है यार, वो ना हो, वो हुआ तो फिर तो अभी 10 की स्पीड में चल रहा हूँ, फिर तो 1-2 की स्पीड हो जाएगी मेरी। अभी 2 घंटे में हमने 40 किलोमीटर तकरीबन पार किया है, जिसमें अच्छी रोड थी। अभी देखो मेरे ख्याल से ना आगे ढलान होगी तो यार सही रहेगा, ढलान पे उतरना यार थोड़ा मुश्किल होता है वैसे, लेकिन ये चढ़ाना थोड़ा भारी पड़ रहा है क्योंकि शाइन की पावर थोड़ी कम है, तो इसलिए ऑफ रोड आएगा ना थोड़ी ग्रिप मिल जाती है ऑफ रोड में। मैंने अभी देखा कुछ पैचेस थे पीछे ऑफ रोड वाले, तो उसमें ना थोड़ी ग्रिप मिल रही थी, तो थोड़ी स्पीड बन रही थी। धीरे धीरे चलेंगे तो यार हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे होंडा शाइन भी जा सकती है भाई, शिंकुला टॉप मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हमने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया ना बस, बाकी लोग भी आ सकते हैं भाई। ये क्या झटका था, भगवान ऐसे झटके मत दो। अब देखो भाई बर्फ की दीवार और बड़ी हो गई है, और यहाँ पे ज्यादा पानी है, शिंकुला 2 किलोमीटर। और कई सारे लोग ना यार शिंकुला से ही वापस जा रहे हैं, कि उनको आगे नहीं जाना है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ऑफ रोड है, वो बस शिंकुला पास करने आए थे और श्रृंखला पास करके जा रहे हैं। और जून के महीने में मैं आया हूँ तब भी इतनी ज्यादा बर्फ है भाई।
जहाँ जहाँ देखो ऑफ रोड आ रहा है ना वहाँ थोड़ी ग्रिप मिल रही है, वहाँ थोड़ा पावर का इश्यू नहीं आ रहा है, यहाँ देखो ऑफ रोड ही है पूरा। बस अब श्रृंखला आने वाला है, एक नई अचीवमेंट हमारे विनिंग लिस्ट में जुड़ जाएगी, बस ब्लैक आइस ना मिले यही दुआ है अभी तक तो। जून के महीने में इतनी बर्फ है, सोचो सर्दियों में क्या ही आलम होता होगा यहाँ। ओ भाई नीचे उतरने में तो और डर लग रहा है भाई, भाई नीचे उतरने में और डर लग रहा है मुझे तो। ब्रेकिंग्स बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए अगर आप भी आ रहे हो तो भाई। ओहो नीचे नीचे उतरने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे को। चलो प्लेन आ गया, पूरी बर्फ है भाई, कहीं भी देख लो नजर उठा गया, पूरी बर्फ बर्फ ही बर्फ देख रहे हो। Soon after. तो फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं श्रृंखला टॉप, 16,580 फीट। देखो क्या ही वाइब है भाई यहाँ की। ये देख रहे हो भाई सब फोटो खिंचाने में लगे भाई यहाँ तो। वाह यहाँ भाई बड़ी बड़ी बाइकों से लोग आए हैं, हिमालयन स्क्रैम, और ये कौन सी लग रही है तो KTM 390 एडवेंचर लग रही है। हाँ मजेदार है, लो यार शब्द ही नहीं है बोलने को, देख क्या ही मजेदार चीज है। तो यार फाइनली बड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच चुके हैं श्रृंखला टॉप, और हमारी शाइन भी पहुंच चुकी है। ये देखो हमारी शाइन, बहुत ज़्यादा मेहनत किया यार इसने चढ़ने के लिए, और इसकी हाइट है श्रृंखला पास की 16,580 फीट, और मेरे को लगता है पहली होंडा शाइन है जो कि यहाँ तक पहुँची है। होंडा की तरफ से अगर कोई देख रहा है तो यार कुछ करो यार हमारे लिए, आपकी कंपनी का इतना प्रमोशन कर रहे हैं तो भाई हमें भी कुछ मिलना चाहिए ना। आसपास के नज़ारे इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना भाई, लेकिन यहाँ पे ना कुछ लोगों को यार AMS हो रहा है, माउंटेन सिकनेस। अभी तो मेरे को ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसके नज़ारे देख के बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ नज़ारे कैसे हैं। ये देखो ये खड़ी है हमारी होंडा शाइन, और इसका एल्टीट्यूड देखो 16,580 फीट, देख रहे हो मज़ेदार ना एकदम। और जिस जन्नत को मैं देख रहा हूँ ना भाई, मज़ेदार यार, ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा। स्पीति के बाद एक नया चीज़ देखने के लिए, एक नई एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे मिला ये चीज़। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, 12:30 बज चुके हैं और निकलते हैं यार यहाँ से, ठीक है। मज़ेदार साल तो लग रहा है यार, बस जाना पड़ेगा हमें।